और आइए आज बात करते हैं एक विशेष पैटर्न एग्जाम का, जो कि CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के नाम से जाना जाता है। इसको बताने का मेरा मकसद यह है कि जो लोग इसके बारे में अनभिज्ञ हैं, मैं पूरी नॉलेज एग्जाम से पहले देना चाहता हूं, ताकि उन्हें किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे और अपने एग्जाम में अच्छी तरह से तैयार हो सके। यह जो आप फोटो देख रहे हैं, इसको मैंने अपने हाथों से बनाया है। यह सब कुछ मान लें कि यह कंप्यूटर की स्क्रीन है, और जैसे ही आप रोल नंबर डालते हैं और पासवर्ड डालते हैं, एग्जाम का समय शुरू होते ही ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाता है। उसके बाद मुख्य स्क्रीन पर इस तरह का डिस्प्ले होता है। सबसे लेफ्ट कॉर्नर पर सब्जेक्ट और यदि उसमें एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो तो सेक्शन वाइज पेपर दिखते हैं, जिसमें एक आइकॉन बना हुआ है जिसको क्लिक कर आप सारा डिटेल देख सकते हैं। सबसे राइट कॉर्नर में आपको क्वेश्चन और इंस्ट्रक्शन दिखते, जिन्हें क्लिक कर किसी भी समय आप पूरा क्वेश्चन और इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। ठीक उसके नीचे आपके दो फोटो डिस्प्ले होंगे, जो एक एडमिट कार्ड में है और दूसरा जो उस दिन रजिस्ट्रेशन किया जाता है। लेफ्ट साइड में आपको क्वेश्चन डिस्प्ले सेक्शन है, जिसमें आपको क्वेश्चन डिस्प्ले किए जाएंगे और उसमें आपको मल्टी चॉइस ऑप्शन भी दिए जाएंगे, जैसा कि निर्धारित रहता है। क्वेश्चन डिस्प्ले सेक्शन के नीचे आपको दो विंडोज मिलेंगे, एक मार्क फोर रिव्यू और सेकंड क्लियर रिस्पॉन्स। उसके ठीक दाहिने और अंतिम छोर पर आप दो और विंडोज पाएंगे, एक सेव एंड नेक्स्ट और सबमिट। इसमें आपको यदि किसी क्वेश्चन का आंसर पूरी तरह क्लियर ना हो तो आप उसको ऑप्शन में चॉइस करते हुए मार्क फोर रिव्यू कर सकते हैं। क्लियर रिस्पॉन्स में यदि किसी चॉइस क्वेश्चन में चेंज करना है तो आपके लिए उसको हटा सकते हैं और दूसरा में आप मार्क कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इसकी जरूरत नहीं है। यदि आप किसी क्वेश्चन का आंसर 100% सही है तो आप उस ऑप्शन को क्लिक कर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक सकते हैं। इसमें एक बात ध्यान देने योग्य है कि आप किसी भी समय किसी भी क्वेश्चन का आंसर चेंज कर सकते हैं। इसमें OMR शीट जैसा कोई गलती होने की चांस नहीं है। सबमिट का बटन को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। समय पूर्ण होने पर वह स्वतः सबमिट होकर क्लोज हो जाता है। यदि आपने सेव एंड नेक्स्ट किया है और फिर भी आप चाहते हैं कि उसका आंसर को चेंज करना है तो आप उसमें भी कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। इसमें जो मार्क फोर रिव्यू है वह वाकई में बहुत काम का चीज है, ताकि आप उन क्वेश्चन को बहुत आसानी से रिव्यू कर सकते हैं जिसमें आप 100% श्योर नहीं थे। अब बात करते हैं सबसे राइट साइड के सेकंड सेक्शन पर, जिसमें आपको 5 तरह के ऑप्शन देखेंगे। अलग अलग कलर का यह ऑप्शन आपको मिलेंगे, जैसे आंसर्ड, सेकंड में नॉट आंसर्ड, नोट व्यूड, मार्क्ड फॉर रिव्यू, आंसर्ड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू। मार्क्ड फॉर रिव्यू में एक बात देखने वाली है, उसमें ब्रैकेट में डिस्प्ले किया जाता है विल बी कंसीडर्ड फॉर इवेल्युएशन, अर्थात यदि आप उसको सेव एंड नेक्स्ट नहीं भी किया हो तो वह इवेल्युएशन में शामिल किया जाएगा। इन सभी आइकॉन को क्लिक कर आप देख सकते हैं कि आप कितने क्वेश्चन का आंसर किए हैं, कितने का क्या पोजीशन में है, ताकि आप किसी भी समय उन क्वेश्चन को फिर से बना सकते हैं। मार्क फॉर रिव्यू करने पर चूंकि यह अलग कलर में डिस्प्ले होता है, आप आसानी से देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आप कंफ्यूजन में थे, ताकि पुनः उसको जाकर फिर से उसको अलग से बना सकते हैं। इन सबके नीचे आपको चूज ए क्वेश्चन सेक्शन दिखता है, जहां पर आपका हर एक क्वेश्चन का स्टेटस अलग अलग कलर के माध्यम से दिखता है। आप उन पर क्लिक कर पुनः उस क्वेश्चन में वापस आ सकते हैं। आप सबसे ऊपर राइट सेक्शन में जो क्वेश्चन का आइकॉन बना हुआ है, उसमें क्लिक कर सारे क्वेश्चन एक साथ ही स्क्रॉल करते हुए ऊपर से नीचे तक देख सकते हैं। किसी भी समय एग्जाम का इंस्ट्रक्शन देखना हो तो उस इंस्ट्रक्शन आइकॉन को आप क्लिक कर सारा डिटेल देख सकते हैं। आपको इसमें किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आप किसी भी समय कोई भी क्वेश्चन का आंसर चेंज कर सकते हैं, और इसमें OMR शीट में होने वाली गलती की कोई संभावना नहीं है। विशेष मेरा सजेशन है कि यदि आप कंफ्यूजन में रहे तो उस क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू में डालें, ताकि अलग कलर में डिस्प्ले हो सके और उन क्वेश्चन को आप पुनः समय रहते दोबारा बना सकें। और अंत में सभी जब फाइनल हो जाए तो सभी क्वेश्चन को बारी बारी सेव एंड नेक्स्ट जरूर करें। इसको बताने का मेरा मकसद सिर्फ नंबर ऑफ व्यूज बढ़ाने की नहीं है, बल्कि जैसा मेरे चैनल का कमिटमेंट है, मैं हर एक जानकारी जो मुझे प्राप्त होगी मैं मेरे चैनल के माध्यम से पूरी तरह सबके लिए डालने का जरूर कोशिश करूंगा। धन्यवाद।